क्या आपने इन्हें देखा है? ये शख्स चाइना के विदेश मंत्री रहे चिन गांग थे, जो कई दिनों से गुमशुदा थे। मई 2023 में गांग भारत में थे, जहां वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ कुछ इस अंदाज में नजर आए थे। लेकिन गोवा में एससीओ देशों की इस मीटिंग के करीब दो महीने बाद ये गायब हो गए। और फिर जुलाई 2023 में खबर आई कि इन्हें विदेश मंत्री पद से हटा दिया गया। जब इन्हें हटाने की खबर आई तो गांग को पब्लिक में दिखे महीने भर से ज्यादा का समय हो चुका था। 57 साल के गांग के इस तरह से गायब होने की वजह खराब सेहत बताई गई, लेकिन ये बात सबको पची नहीं और कयास लगाए जाने लगे कि गांग को किसी राजनीतिक गलती या निजी भूल के लिए सजा दी जा रही थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच इनके एक टीवी प्रेजेंटर के साथ अफेयर की अफवाहें भी सोशल मीडिया पर उड़ने लगीं। हमेशा की तरह कम्युनिस्ट पार्टी ने गांग को हटाए जाने की वजह साफ तरीके से नहीं बताई और घोषणा कर दी कि उनसे पहले विदेश मंत्री रहे वांग यी पद पर लौट आएंगे। गांग का इस तरह से हटाया जाना इसलिए भी चौंकाने वाला था क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग का करीबी माना जाता था। दिसंबर 2022 में देश के विदेश मंत्री बने गांग इस पद पर पहुंचे सबसे कम उम्र के नेता थे। इससे पहले वो यूएस में राजदूत थे, जहां उनकी इमेज खरी खरी कहने वाले राजनीति की बनी थी। वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रहे थे और तब जिनपिंग के विदेशी दौरों के आयोजन की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। गांग को चीन के उन वुल्फ वॉरियर नेताओं में जाना जाता था जो चाइना का सोशल मीडिया पर बहुत मजबूती से बचाव करते थे। इनका धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना भी इन्हें चीन के मॉडर्न नेताओं की लिस्ट में खड़ा करता था। I firmly believe that the door of China-US relations... हालांकि अचानक लंबे समय के लिए ऐसे गायब हो जाना चाइना के हाई प्रोफाइल चेहरों के लिए कोई नई बात नहीं थी। सरकार को नहीं पसंद आ रहे नेता और बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि खिलाड़ी और सेलिब्रिटी भी समय समय के लिए गुमशुदा होते रहे। अक्टूबर 2022 में पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक से अचानक बाहर ले जाया गया। उस समय भी बहाना खराब सेहत का ही दिया गया, हालांकि दो महीने बाद वो फिर पब्लिक में दिखाई दिए। देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में एक जैक मा साल 2020 में 3 महीने के लिए गायब हो गए थे। इससे कुछ ही हफ्तों पहले उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी। पब्लिक में वापसी के बाद उन्होंने लो प्रोफाइल ही रखा। शी जिनपिंग जब उपराष्ट्रपति थे तो करीब 2 महीनों के लिए जनता की नजरों से दूर हो गए थे, हालांकि वापसी के कुछ ही दिन बाद वो राष्ट्रपति बनाए गए। संभव था कि गांग भी वापसी कर लें, लेकिन विदेश मंत्रालय की वेबसाइट से उनका नाम हटाया जाना उनके लिए अच्छा संकेत नहीं था।